क्या आपकी एग्जाम का बस एक ही महीना बाकी है? क्या आप भी 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर। दोस्तों, अगर आप नए हो हमारी चैनल पे, तो अभी हमारी चैनल स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वीक स्टडी टिप्स, मोटिवेशनल एंड लाइफ हैक्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, जैसे मेन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम नजदीक आती जाती है, स्टूडेंट्स और ज्यादा फियर फील करते हैं। फिर उन्होंने बहुत अच्छा ही क्यों ना पढ़ा हो, पर अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें तो वो थोड़ा फियर ज्यादा फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं होता है। सो उन्हें डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उन्होंने नहीं पढ़ा वहीं से एग्जाम में ना जाए। दोस्तों, आपका फियर तब जाएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एंड कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? दोस्तों, अगर आपको एग्जाम का फियर दूर करना है एंड कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले आप ये हैबिट डालें कि आप रोज पढ़ाई के अलावा 1 आवर लिखने में निकालोगे, जिसमें आप दिन में जो भी पढ़ा, जितने भी चैप्टर्स पढ़े, हर एक में से एक एक क्वेश्चंस को लिखे एंड ऐसे उसको करने का ट्राई करें। ये मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। आप हर एक चैप्टर में से 3 से 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी ले सकते हो एंड उसे लिख सकते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एंड अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, तो इंपोर्टेंट एंड ट्रिकी सम्स को आप लिख के सॉल्व करें। वैसे भी एग्जाम में आपको लिखना होता है, आपको टिक मार्क नहीं करने होते। सो आप जितना ज्यादा लिखोगे, आपको उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो आप अभी से, भले ही आपके एग्जाम का एक ही महीना क्यों ना बाकी हो या 25 दिन बाकी हो, अभी लिखने की आदत डालें। बिना कॉन्फिडेंस के पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो अगर एग्जाम में आता होगा तो भी याद नहीं आएगा, एंड याद आता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं या फिर भूल जाते हैं कि उसका आंसर क्या था। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमें खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। दोस्तों, कॉन्फिडेंस के लिए मैं लिखना सजेस्ट करता हूं, पर उसके लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सो अगर आप अभी अपना स्टडी शेड्यूल बनाना चाहते हो, तो बहुत ही ध्यान रखें। स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां ये करते हैं कि वो टाइम को एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं, सुबह 8 से 10 बजे पढ़ूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, देन 11 to 1 पढ़ूंगा एंड देन ब्रेक, लाइक दैट। पर कई बार वो लेट उठते हैं 8 बजे के बाद, या फिर 8 to 10 के टाइम में काम आ जाता है, फिर वो उस टाइम में पढ़ाई नहीं कर सकते एंड फिर पूरा दिन वो वेस्ट कर देते हैं एंड सोचते हैं कि यार आज तो अब चला गया, कल से परफेक्ट शेड्यूल को फॉलो करूंगा। अक्सर आपके साथ भी ये हुआ होगा, आई एम श्योर। दोस्तों, एक बात दिमाग में डाल दो, आप कभी भी टाइम को एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको आपके टाइम के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। ऐसा शेड्यूल बनाना कि कितने दिन में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं या फिर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, डिसाइड करें कि मिनिमम आपको 7 to 8 आवर्स पढ़ना ही है एंड रोज शाम को अपने आप को बस 10 मिनट दो एंड देखो कि कौन से टाइम में आपका टाइम वेस्ट हुआ। सो नेक्स्ट डे आप उस टाइम में आपका टाइम वेस्ट ना करें एंड जो भी चीज से आपका टाइम वेस्ट होता है उसे भी दूर रखें। अल्सो इन लास्ट डेज पढ़ाई के साथ साथ आपको मॉडल पेपर पे भी ध्यान देना है। कई स्टूडेंट्स मॉडल पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट दे देते हैं, मॉडल पेपर में से ही सब कुछ आएगा, तो वो गलत है, क्योंकि मॉडल पेपर आपको बस एग्जाम पैटर्न समझ में आए उसके लिए होते हैं, या आप उसके ऊपर से अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं आता, जनरली उसमें से 10 से 15 मार्क्स का पूछा जा सकता है, पर हर बार पूछेंगे ऐसा भी नहीं है एंड कई बार बहुत ज्यादा मार्क्स का भी पूछ लेते हैं। सो कुछ भी हो जाए, आपको मॉडल पेपर तो करने ही है। मॉडल पेपर ट्रेलर जैसे है एंड मेन एग्जाम मूवी जैसा। ट्रेलर आपको दिखाता है कि मूवी कैसी होगी, वैसे ही मॉडल पेपर आपको आइडिया देता है कि एग्जाम कैसी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को समराइज करें तो अभी से आपको दिन में 3 तरीके से पढ़ना है। एक तो आपको नॉर्मल रीडिंग और रिवीजन करना है 5 to 6 आवर्स। सेकंड, आपको 1 to 2 आवर्स लिखना भी है एवरी डे। एंड थर्ड वन, आपको मॉडल पेपर के लिए भी 1 to 2 आवर्स जितने देने हैं एवरी डे। दोस्तों, 15 to 20 डेज में आपका पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगा,
तो अगर आप नए हो हमारी चैनल पे तो सब्सक्राइब करें स्टडी बडी क्लब को, जिससे आपको ऐसे अच्छे वीडियोस की अपडेट इजीली मिलती रहे। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।